नाश्ता करते हैं। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं रिमाइंडर थ्योरम वाले में फॉरवर्ड कर दीजिए। डाउट क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, क्या तीनों क्वेश्चन ही नहीं आते आज भी? क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 के साथ पेज नंबर भी फॉरवर्ड करो। फर्स्ट वाले पेज में पेज वाइज कर लेते हैं बेटा, पेज वाइज किसी यहां पे किसी को डाउट है इस फर्स्ट पेज में? इस फर्स्ट पेज में किसी बच्चे को कोई डाउट? फर्स्ट पेज में किसी बच्चे का कोई डाउट? 2.1 में कोई डाउट नहीं है, 2.2 में डाउट है। 2.2 में कहां डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2, 3rd एंड 4th पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, 3rd एंड 4th पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड पार्ट नोट डाउन करिए। वहां पे आपको बोल रहा है पीएक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2, 3rd पार्ट, पीएक्स इज इक्वल टू x³ + 3x² - 3x + 4 एंड यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ This is -2x, not 3x. We need to find the value of p -2 + p1 + p0. हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू निकालनी है p -2 p1 + p0। क्या प्रॉब्लम थी इस वाले पार्ट में इसको सॉल्व करने के लिए? आपको एक बार इक्वेशन में -2 पुट करना है, एक बार 1 पुट करना है, एक बार 0 सब्स्टिट्यूट करना है। तीनों केसेस को इंडिविजुअल सॉल्व करके ऐड कर देना बेटा। यहाँ पे अगर हम पी ऑफ -2 को सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -2³ + 3 × -2² - 2 × -2 + 4। -2³ = -8 + 2² - 4³ = 12 + 4 + 4 कैंसिल हो गया। आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 12। रिमाइंडर इज 12। फर्दर 1 सब्स्टिट्यूट करिए x की जगह, 1³ + 3 × 1² - 2 × 1 + 4, 1 + 3 - 2 + 4, 1 + 3 = 4, 1 + 3 - 2 + 4, 4 + 4 = 8, 8 - 2 = 6, 8 - 2 = 6। फर्दर 0 सब्स्टिट्यूट करना है हमें x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो जगह 0³ + 3 × 0² - 2 × 0 + 4, द आंसर इज 4। अब तीनों को ऐड करना है हमें, तीनों को ऐड कर दीजिएगा, तीनों को ऐड करो आंसर आ जाएगा दिस इज 12 + 6 + 4 व्हिच इज इक्वल टू 18 + 4 That is equal to 22. Clear? Same answer आ गया? भव्या, great. आसप्रीत, आसान सा तो है बेटा। ये आपने देख के छोड़ा होगा, गारंटी है। ये आपने सर देखा होगा, ये पूरा निकालना है, छोड़ दिया होमवर्क। सर के लिए डाउट है ये। यही करा था? हाँ जी सर, यही करा था। चलो एटलीस्ट यू आर ऑनेस्ट। बाकी सबको समझ आ गया बच्चे? मान्या, सहज, दसलीन, तन्मय, पूजित, एवरीवन, पुअर, ग्रेट, यस, बिकॉज़ दिस असाइनमेंट इज 100 टाइम स्कूल का असाइनमेंट है ये। हमें सेंट मार्क्स, ये असाइनमेंट सेंट मार्क्स का है बेटा, सेंट मार्क्स से मिला था 3 साल पहले। और इतना अच्छा असाइनमेंट है कि स्कूलों ने दोबारा दिया नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी में दे देते हैं मोहन सर, उनके पास उन्होंने दिया ही नहीं। ऐसी 4th पार्ट आप खुद कर सकते हैं, इसी का 2nd पार्ट सॉल्व करते हैं बच्चे। लेट्स सॉल्व द 2nd पार्ट। यहाँ पे इस असाइनमेंट के जो आप होमवर्क सबमिट कर रहे हैं मैं इसमें देख लूंगा किसका सही है असाइनमेंट, वो शेयर कर दूंगा सो दैट आंसर्स कैन बी मैच्ड। यहाँ पे आपको गिवन है f(x²) + √2x + 1, you need to find the value of f√2। हमें यहाँ पे वैल्यू इसकी निकालनी है f√2, मतलब x की जगह √2 पुट करना है, तो जगह √2²
root 2 into root 2 plus 1, root 2 square is 2, root 2 into 2 plus 1. आंसर आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा. क्लियर है? इतना आसान सा था, इसका राउंड था. फर्दर और डाउट पूछो बेटा. अगर किसी बच्चे का और किसी क्वेश्चन में डाउट है जो होमवर्क में दिए गए थे. अभिनव, नवनीत, मान्या, जसलीन, एनी डाउट? फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में डाउट है. फोर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट. ओके, यहां पे बोल रहा है इफ एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री इज अ जीरो देन फाइंड द वैल्यू. बेटा जीरो है तो जीरो है, फैक्टर है. सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से करेंगे. एक्स की जगह यहाँ पे माइनस वन बाय थ्री सब्स्टिट्यूट कर दोगे जिससे रिमाइंडर आएगा और रिमाइंडर इक्वल टू जीरो. सॉल्व करते हैं इसको. फोर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट. जिन्होंने बच्चे कर लिया है वो अपना आंसर मैच कर लीजिएगा. This is px is equal to 27x cube minus ax square minus x plus 3. और आपको बोल रहा है x equal to minus 1 by 3 इसका 0 है और a की वैल्यू निकाली है. अब कैसे करें? Since x इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री इज अ जीरो, ये वाली वैल्यू जब मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मेरा आंसर भी कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा. मेरे पास वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो आंसर बचेगा वो भी कितना होगा? जीरो आएगा. मतलब रिमाइंडर भी जीरो आ रहा है. सब्स्टिट्यूट करिए 27 इंटू माइनस वन बाय थ्री क्यूब माइनस ए इंटू माइनस वन बाय थ्री स्क्वायर माइनस माइनस वन बाय थ्री प्लस थ्री दिस इज इक्वल टू जीरो. 27 माइनस वन क्यूब इज माइनस वन, थ्री क्यूब इज 27 माइनस ए माइनस वन स्क्वायर इज वन, थ्री स्क्वायर नाइन, माइनस माइनस प्लस वन बाय थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो. 27 से 27 कैंसिल, माइनस वन माइनस ए बाय नाइन प्लस थ्री प्लस वन बाय थ्री इज इक्वल टू जीरो. ए की वैल्यू निकालनी है, माइनस ए बाय नाइन को राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे एलसीएम ले लो. तो लेफ्ट साइड पे एलसीएम हो जाएगा थ्री. दिस बिकम्स माइनस थ्री प्लस नाइन प्लस वन विच इज इक्वल टू ए बाय नाइन. नाइन प्लस वन टेन, टेन माइनस थ्री सेवन, सेवन बाय थ्री. सेवन बाय थ्री इज इक्वल टू ए बाय नाइन क्रॉस मल्टीप्लाई. ए इज इक्वल टू 21. क्रॉस चेक योर आंसर्स. सबका सेम आ गया? यस. फर्दर नेक्स्ट डाउट. द स्पीक का भी सेम आ गया. बहुत सारा चक्कर में. वेरी गुड. धन्य बच्चे, कोई डाउट? और किसी बच्चे का कोई डाउट है? ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड. होगा नेक्स्ट डाउट एनीवन? कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड. अब हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और इसी टाइप को एक्सटेंड करते हैं, बट जो हमारे बेसिक जो रहेगा वो सेम रहेगा. क्या सेम रहेगा? कि जब भी x की जगह यहाँ पे फंक्शन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे कोई भी 1 2 3 जो भी हमें गिवन है वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? रिमाइंडर प्रोवाइड करेगा. यहाँ पे गिवन था कि x इक्वल टू माइनस 1 बाय 3 0 है. 0 मतलब रिमाइंडर क्या होता है? सॉल्यूशन होता है. मतलब जब इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0. इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू 0 पुट कर दिया था बिकॉज p ब्रैकेट माइनस 1 बाय 3 जे आपको क्या दे रहा था? रिमाइंडर प्रोवाइड कर रहा था. तो फर्दर आगे सॉल्व करते हैं बच्चे. अब हमारे क्वेश्चन जो स्टार्ट होंगे यस
क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, पेज नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री, पेज नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री, इफ द पॉलीनोमियल्स, रीड करो बेटा, यहां पे क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, बोल रहा है इफ द पॉलीनोमियल्स टी एक्स क्यू प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर, नोट डाउन करिए बेटा पॉलीनोमियल्स को जो आपको गिवन है, नोट डाउन दी पॉलीनोमियल्स दैट आर गिवन, ये आपको बोल रहा है टी एक्स क्यू प्लस फोर एक्स स्क्वायर पी एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर, एक पॉलिनोमियल ये है, दूसरा पॉलिनोमियल क्या गिवन है आपको एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स प्लस पी, दे बोथ आर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री, देन द रिमाइंडर इन ईच केस इज द सेम, रिमाइंडर दोनों केस में सेम आ रहा है, जब x माइनस थ्री से डिवाइड करेंगे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब कैसे करें, दोनों को x माइनस थ्री से डिवाइड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू थ्री, सेकेंड केस में भी क्या आ जाएगा, x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू थ्री, डिवाइजर को इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसके बाद क्या करोगे आप, अब आपको क्या करना है, ये थ्री जो वैल्यू है, ये जो आपकी थ्री जो वैल्यू है, ये हम दोनों इक्वेशंस में पुट करेंगे जिससे आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर। तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूं ये मेरा फंक्शन है एफ एक्स, और ये वाला जो फंक्शन है ये फंक्शन है जी एक्स, सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू एफ ऑफ थ्री, पुट करेंगे जरा p इंटू थ्री क्यूब प्लस फोर इंटू थ्री स्क्वायर प्लस थ्री इंटू थ्री माइनस फोर, ट्वेंटी सेवन पी प्लस नाइन फोर थर्टी सिक्स प्लस नाइन माइनस फोर, ट्वेंटी सेवन पी प्लस फोर्टी फाइव माइनस फोर इज इक्वल टू फोर्टी वन। तो जब मैंने थ्री पुट करा तो रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर क्या आया है 27p plus 41। Second case में 3 substitute करो, यहां पे भी हमारे पास remainder आएगा 27 minus 12 plus p 15 plus p 15 plus p। I repeat again, दोनों केसेस में x minus 3 से divide कर रहे थे और question में बोल रहा remainder same। मैंने क्या करा, जिससे डिवाइड करते हैं वहां से x की वैल्यू निकाल ली, डिवाइडर से दोनों के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी, जिससे हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर। बट आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रिमाइंडर्स क्या है, सेम है, तो दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, ये हो जाएगा 27p plus 41 is equal to 15 plus p, सॉल्व करिए इसको 27p minus p is equal to 15 minus 41, you get 26p is equal to minus 26, 26 and 26 cancel, p is equal to minus 1, p is equal to minus 1, clear है सबको, note करके chat box पे done, note करके chat box पे done, simple सा logic है, जो divisor होगा, जो डिवाइजर होगा, डिवाइजर इक्वल टू जीरो, वहां पे एक्स की वैल्यू आएगी, इनिशियल फंक्शन के अंदर पॉलीनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर बोल रहा है इक्वल है तो मैंने दोनों को आपस में इक्वेट करके पी की वैल्यू निकाल लिया यहां से, ठीक है। आई विल बी अपडेटिंग व्हेन टू कलेक्ट द वर्कशीट्स, आई विल अपडेट एवरीवन। नेक्स्ट पार्ट टू, सेकेंड पार्ट में आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, अगर दोनों पॉलिनोमियल को एक्स प्लस टू से डिवाइड कर रहा है एंड लीविंग द सेम रिमाइंडर, लीविंग द सेम रिमाइंडर, सेम प्रोसेस में हमें करना है सॉल्व,
करिए इसको, सॉल्व दिस क्वेश्चन। स्टार्ट करो बच्चे। जब तक मैं बोर्ड इरेज करूं तब तक आप लोगों का हो जाना चाहिए। फंक्शन नोट करिए, आपको बोल रहा है पहला फंक्शन ए एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर थ्री सेकेंड पार्ट, फर्स्ट फंक्शन को एफ एक्स लिख लेते हैं, दैट इज ए एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन एक्स। सेकेंड फंक्शन जो है वो आपके पास है 2x क्यूब माइनस 5x, 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a। आपको यहां पे बोल रहा है इट इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2 एंड लीव द सेम रिमाइंडर। करो सॉल्व भाई, x प्लस 2 से डिवाइड कर रहा है, क्या करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2। दोनों केसेस में x को माइनस 2 सब्स्टिट्यूट करिए, f ऑफ माइनस 2 a टाइम्स माइनस 2 क्यूब प्लस 3 इनटू माइनस 2 स्क्वायर 13 इनटू माइनस 2 माइनस 8 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 16 माइनस 8a प्लस 38 माइनस 8a प्लस 38। इन द सेकंड केस सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू, बच्चे माइनस 2 क्यूब, माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस 8 इनटू 2 इज माइनस 16। जिसका हो गया क्या आंसर आया आसप्रीत, भव्य, हरमन, 5 2 का 10 प्लस a माइनस 6 प्लस a। दोनों केसेस से रिमाइंडर आ रहे हैं, पहला रिमाइंडर आ रहा है माइनस 8 प्लस 38, सेकंड केस में रिमाइंडर आ रहा है माइनस 6 प्लस a, बट आपको क्वेश्चन में बोल रहा है दे लीव द सेम रिमाइंडर, इक्वेट कर दो दोनों को। तो यहां पे आंसर निकाल लिया है भव्य ने फर्स्ट, दैट इज माइनस 44 बाय 9। क्रॉस चेक करते हैं, 8a को राइट पे और 6 को लेफ्ट पे, दिस इज 44 इज इक्वल टू 9a, a इज इक्वल टू 44 अपॉन 9, a इज इक्वल टू 44 अपॉन में 9, इट इज नॉट माइनस। माइनस क्यों आएगा भाई, प्लस में चेंज हो जाएगा ना, माइनस 6 लेफ्ट पे जाएगा प्लस, माइनस 8 राइट पे जाएगा प्लस। क्रॉसचेक करो भाई, फिर दे, आपका भी आंसर गलत है, चैतन्य इज राइट। मिल गया भव्य एरर, परफेक्ट है, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स एवरीवन। वेरी गुड अभिनव, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बट आएगा जरूर इसके बेसिस पे क्वेश्चन। धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करते हैं। अब इसी का थर्ड पार्ट देखिए, वहां पे आपको बोल रहा था पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस फोर एक्स ब्ला ब्ला ब्ला, दे लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री, खुद कर लेना सॉल्व। इसके आगे बोल रहा है आपको फोर्थ पार्ट, यस फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट इन दी फोर्थ पार्ट आपको यहां पे बोल रहा है द पॉलिनोमियल के एक्स क्यूब प्लस नाइन एक्स स्क्वायर
plus 4x minus 8 when divided by x plus 3 leaves a remainder 10 times of 1 minus k. तो फिर k की वैल्यू निकालनी है. तो वे पॉलीनोमियल को लिख लेते हैं बच्चे फोर्थ पार्ट में. आपको क्या वैल्यू पॉलीनोमियल हमारा k x cube fx is equal to k x cube plus 9x square plus 9x square plus 4x minus 8 when divided by x plus 3 leaves a remainder. इसको जब हम x plus 3 से divide करेंगे तो remainder आ रहा है 10 times of 1 minus k. क्या करें कैसे करें सर, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको इक्वल टू जीरो, जैसे वहां पे जीरो ऑफ दी एफएक्स आ जाएगा दैट इज एक्स माइनस थ्री, सब्सिट्यूट करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, माइनस थ्री पुट करोगे तो आपके पास रिमाइंडर आएगा. जाएगा माइनस 27 के प्लस माइनस 3 स्क्वायर इज 999 का 81 प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 8 माइनस 27 के माइनस 12 माइनस 8 माइनस 20 प्लस 81 इज प्लस 61. रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया माइनस 27 के प्लस 61. बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रिमाइंडर कितना है 10 इनटू 1 माइनस के, दैट मींस ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे. माइनस 27 के प्लस 61 ये आ जाएगा हमारा 10 टाइम्स ऑफ 1 माइनस के. माइनस 27 के प्लस 61 इज इक्वल टू 10 माइनस 10 के. माइनस 61 को राइट साइड पे ले जाओ सॉरी 27 को तो प्लस में चेंज हो जाएगा. 10 को लेफ्ट पे ले आएंगे 51 इज इक्वल टू 17 के. के आ जाएगा हमारे पास 3. भव्या फिर आंसर करो तो जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में यहाँ पे के की वैल्यू 3 आ जाएगी. क्रॉस चेक आया किसी का सेम किसी का सेम आ गया. नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स. अगर से परफेक्ट वेरी गुड वेरी गुड समझ आ गया. x प्लस 3 से यहाँ पे डिवाइड कर रहे थे x इक्वल टू माइनस 3 पुट करेंगे तो रिमाइंडर आएगा बट रिमाइंडर कुछ और के मैंने दोनों का आपस में इक्वल रखा. नेक्स्ट इसमें आप फिफ्थ वाला पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे. अब हम सिक्स्थ वाला पार्ट सॉल्व करेंगे. इसके आगे नोट डाउन दी पॉलीनोमियल्स दैट आर गिवन. योर बायो टेस्ट इज टुमारो तो ध्यान रखिएगा बेटा सेम टाइम है 4 o'clock. यहाँ पे आपको बोल रहा है fx is equal to x raised to the power 4 minus 2x cube fourth part function is equal to x raised to the power 4 minus 2x cube प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस b व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1 और एक बार x प्लस 1 से इट लीव्स द रिमाइंडर 5 एंड 19. ओके अगर x माइनस 1 से करेंगे डिवाइड तो रिमाइंडर 5 आ रहा है. अगर x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 19 आ रहा है. फाइंड द रिमाइंडर कह रहा है फिर रिमाइंडर निकालो. कब निकालो जब x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे. थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है
कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान सा है। क्या बोल रहा है, जब x माइनस वन से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर फाइव बचेगा, x प्लस वन से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 19 बचेगा। और ध्यान दो क्वेश्चन में दो वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ पे ए भी नहीं पता बी भी नहीं पता, तो इन दोनों को इक्वेशन आपका यूज करके इंफॉर्मेशन को हम लोग ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, पहले x माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x को क्या करेंगे वन, तो x को वन सब्स्टिट्यूट करिए, f ऑफ वन ये हो जाएगा वन रेस टू दी पावर फोर माइनस टू इंटू वन क्यूब बी इंटू वन स्क्वायर माइनस ए इंटू वन प्लस बी, वन माइनस टू प्लस थ्री माइनस ए प्लस बी, दिस इज फोर माइनस टू टू, टू माइनस ए प्लस बी, टू माइनस ए प्लस बी, ये आपके पास रिमाइंडर आ गया। बट क्वेश्चन में गिवन है जब x माइनस वन से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा फाइव, दैट मीन्स एफ वन कितना है आपका फाइव के इक्वल है, क्योंकि जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो रिमाइंडर मिलता है मेरे को, और रिमाइंडर कितना गिवन है फाइव गिवन है, रिमाइंडर में गिवन है फाइव, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, टू को लेफ्ट पे ले आओ, यहां से आपके पास मिल गया माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू थ्री, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू थ्री। आगे सॉल्व करते हैं, ये तो अभी आधा पार्ट हुआ है। अब जब x प्लस वन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 19 है, तो क्या करेंगे x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू माइनस वन और रिमाइंडर 19, तो x इक्वल टू माइनस वन सब्स्टिट्यूट करो क्वेश्चन में, माइनस वन रेस टू दी पावर फोर माइनस टू इंटू माइनस वन क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस वन स्क्वायर माइनस ए इंटू माइनस वन प्लस बी, वन माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस थ्री इंटू वन प्लस ए प्लस बी, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस ए प्लस बी विच इज इक्वल टू सिक्स प्लस ए प्लस बी। आपको यहाँ पे बोल रहे हैं रिमाइंडर कितना आ रहा है 19, वी हैव 19 ओवर हियर, लेफ्ट पे ले आओ 13 इज इक्वल टू ए प्लस बी। बट सर सॉल्व कैसे करें, आप आपने पहले यहाँ निकाला था माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू थ्री, तो मैं यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ जो कि आ जाएगी ए प्लस थ्री, अब ये बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, b की वैल्यू है 3 प्लस ए, यहां से आपको मिल गया a इज इक्वल टू 5, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए a इक्वल टू 5, जिससे b आ जाएगा, b आपके पास आ गया a, b आपके पास आ गया a, a टू ऑल। सेम क्वेश्चन जो कि हम करते आ रहे थे, बस थोड़ा क्वेश्चन को और एक्सपैंड कर दिया है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में 4 नंबर का आएगा आपका, दिस इज फॉर 4 मार्क्स, नोट कर लो एक बार, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं कि क्या करा है और कैसे करा है, नोट कर लीजिए एक बार। नोट कर लो बच्चे, first of all the question was saying that the fx is divided by x minus 1 you will receive remainder as 5, so humne kya kara x minus 1 equal to 0 x equal to 1 x equal to 1 substitute kar denge equation mein to remainder aayega, remainder kitna hai 5, to 5 ke equal lag gaya jisse 3 is equal to minus a plus b aa gaya, फिर x plus 1 से अगर आप लोग डिवाइड करेंगे सर 10 इज दी बेटा आ रहे हैं अभी फाइनल आंसर नहीं है सबका यही आया ना आंसर क्रॉस चेक एवरीवन यही आया ना ठीक है अभी आ रहे हैं बेटा बगे उसके भी अब ये आपके हमने इसके बाद क्या करा x plus 1 से जब डिवाइड करेगा इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस 1 फंक्शन में x की जगह माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको कह रहा है रिमाइंडर 19 है रिमाइंडर 19 जिससे a plus b इक्वल टू 13 आ गया सॉल्व करने के लिए मैंने क्या करा माइनस ए को लेफ्ट पे किया तो थ्री प्लस ए इज इक्वल टू बी बी की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो यहाँ पे जिससे आपका ए आ जाएगा ए की वैल्यू वापस कर दोगे तो आपके पास
बी आ जाएगा, क्लियर है। तो ये तो आ गया हमारे पास ए और बी की वैल्यू। किसी का समझ आ गया बेटा? किसी का, अंशिका, दृष्टि वर्मानी, दृष्टि अरोड़ा, एनएल से भी बंदे। नाउ अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आपको बोल रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। अब इसका एक पार्ट रह गया जिसमें बोल रहा है कि एक्स माइनस टू से डिवाइड करेगा तो क्या रिमाइंडर आएगा। अब b की वैल्यू 8 है, b की जगह 8, a की जगह 5। अब हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? x माइनस टू से। तो x माइनस टू से डिवाइड करो और रिमाइंडर निकालो। x माइनस टू से अगर हम करेंगे इक्वल टू जीरो, दैट मींस वी विल सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू टू, पुट करिए, that will give 2 raised to the power 4 minus 2 into 2 cube, 3 into 2 square minus 5 into 2 plus 8, 16 minus 16 plus 12 minus 10 plus 8, 12 plus 8, 20 minus 10, you get 10. So 10 is the final answer. Very good Bhavya, you solved before. मेरे कराने से पहले आपने कर लिया, मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया। बट भव्य, आई डोंट नो व्हाई टेस्ट में क्यों कोई ना कोई छोटी सी गलतियां कर देते हो। थोड़ा जल्दी करने का कोई फायदा नहीं अगर टेस्ट में गलती हो जाए। थोड़ा धीरे सॉल्व करो बट आंसर करेक्ट निकले। बिकॉज ये मिस्टेक ऑफ रेगुलरली कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो बेटा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से एक एक 5-10 सेकंड लेट हो जाएगा क्वेश्चन, बट मार्क्स कटेंगे नहीं। बाकी सबको क्लियर है? एनीवन जो रह गया हो, सर मेरे को समझ नहीं आया। कोई ऐसा बच्चा, सिमरन कौर समझ आ गए, तन्मय वाली, हरमन, किसी का कोई डाउट? कुंवर परफेक्ट है, वेरी गुड। अब गधा ही होगा कोई जिसको समझ नहीं आया। इतने क्वेश्चन हमने सेम टाइप के कर रहे हैं, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करनी है जिससे रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। वेरी गुड। वैसे मैं बोला सर आपने मेरे को गधा बोल दिया, मैंने गधा किसको नहीं बोला। नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 7, पार्ट 7 द लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसके बाद वाले क्वेश्चन सारे के सारे सेम है जो कि आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। आपके यहां बोल रहे हैं द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर। सेकेंड पॉलिनोमियल इज टू एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स प्लस ए। आपको बोल रहा है वेयर दे आर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू लीव्स रिमाइंडर पी एंड क्यू। पहले वाले को एक्स माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर पी आ रहा है, इसको एक्स माइनस टू से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्यू आ रहा है। सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू टू गिवन फंक्शन में पुट करो। Substitute in the given function, ये हो जाएगा 8a minus 8 f2, f2 का मतलब क्या है? Remainder, remainder कितना है? p। तो p की value आ गई 8a minus 8। In the second case, x equal to 2 substitute करो जिससे g2 आ जाएगा 2 into 2 cube minus 5 into 2 plus 8, 16 minus 10 plus 8, which is equal to 6 plus 8, जो आपको देगा remainder, that is q। अब क्या करें?
क्वेश्चन में तो नहीं गिवन कि पी एंड क्यू आर सेम, पी एंड क्यू सेम नहीं गिवन, सेम रिमाइंडर नहीं गिवन, आगे आपको कंडीशन गिवन है, कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन क्या गिवन है, इफ पी माइनस टू क्यू इज इक्वल टू फोर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, p minus 2q is equal to 4, no problem, we have the value for p, we have the value of q, substitute here, 8a minus 8 minus twice of q, q ki value is 6 plus 8 is equal to 4, 8a minus 8 minus 12 minus 2a is equal to 4, 8a minus 2a, ये हमारे पास आ जाएगा 6a माइनस 20 इज इक्वल टू 4, 6a इज इक्वल टू 24, a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4, वेरी गुड किशिका, वेरी गुड दस्तू, वेरी गुड, नोट करके डन. समझ आ गया सबको, पहले रिमाइंडर देना था, अब टाइप चेंज करके उसने क्या बोला कि रिमाइंडर पी और क्यू है, और पी और क्यू, फिर पी और क्यू में आपको एक इक्वेशन दे दी है, फर्दर आप आगे आगे क्वेश्चन देखेंगे उसमें लिखा होगा पी और क्यू रिमाइंडर देगा आर वन और आर टू, और फिर आर वन आर टू के अंदर एक रिलेशन गिवन होगा, तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन होंगे जो आपने सॉल्व करने हैं फर्दर. यहाँ पे अब हम क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, वही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आर वन आर टू खुद सॉल्व करेंगे फर्दर, बस और कोई क्वेश्चन नहीं है. इसके बाद यहाँ पे ये हमारा पेज नंबर 5 पे एक्सरसाइज 2.4 होमवर्क लिख लीजिए, पेज नंबर 5 एक्सरसाइज 2.4 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है, सारे के सारे क्वेश्चन सेम, सारे क्वेश्चन सेम जैसे हम लोगों ने करे हैं उसी मैनर में आपको सॉल्व करने हैं रिमाइंडर थ्योरम से, हो जाएंगे सबसे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 5 दिस इज होमवर्क. इसके बाद पेज नंबर 7 आपको बोल रहा है फाइंड द प्रोडक्ट्स, प्रॉपर्टीज हम लोग ऑलरेडी बेटा कर चुके हैं सारी की सारी आपने करनी है. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, सिक्स एंड सेवन, एट नाइन, मतलब ये सारा कंप्लीट हो चुका है, ये सारा ही होमवर्क है, दो दिन है आराम से सारा बैठ के करो, ये पूरी 2.5, ये 2.5 पूरी बैठ के सॉल्व करो, पूरी आपकी होमवर्क में, ठीक है. अभी बच्चा कह रहा है सर ये आंसर गलत आ रहा है, क्रॉस चेक करते हैं, 8a माइनस 8 माइनस 2 इनटू 6 प्लस 8 आंसर गलत है क्या, सही तो है सर, आंसर विल बी, सर आंसर विल बी 6 नॉट 4, 6 ए माइनस 2 ए, बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो 2 6 जा 12 आएगा ना, 2 6 जा 12 होगा, ये आपने मल्टीप्लाई नहीं करा, ठीक है, मिल गई मिस्टेक अपनी, तो आपने ये सारा का सारा होमवर्क 2.5 पूरी और 2.4 में आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यस ये सारा आपका होमवर्क में है. तो सबमिट कब करना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन था सबमिट कब करना है, संडे रात को 12 बजे तक सबमिट करना है, संडे रात को 12 बजे तक, इज दिस क्लियर, ठीक है.